नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना को लेकर के सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने के लिए कह रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर बिना किसी वजह घूमते नजर आ जा रहे हैं। आपको बताएं, आजमगढ़ ज़िले में बरदा थाना क्षेत्र के एक गाँव में 23 मार्च को लॉकडाउन होने से ठीक एक दिन पहले अनुसूचित बिरादरी में एक शादी होती है, जिसके बाद लॉकडाउन हो गया। इस दौरान दामाद अपने ससुराल में ही रुक गया। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को लेकर के किसी भी तरह से अपने घर जाने लगा। घर का मतलब राजस्थान के लिए निकला। 14 अप्रैल को वो राजस्थान के लिए निकलता है। 18 अप्रैल को वहाँ की सीमा पर सुरक्षाकर्मी मेडिकल चेकअप करते हैं। पता चलता है तो दोनों पति पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं। टीम ने जब पूछा तो उन दोनों ने बताया कि वह दोनों शादी करके आजमगढ़ गाँव से आए हैं। इसके बाद तो वहाँ तहसीलदार द्वारा इसकी सूचना तुरंत ग्राम प्रधान को दी गई कि आपके गांव में कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी मिले हैं, इसलिए वहां भी संक्रमण की शंका हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग की टीम, प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में परिवार को क्वारंटाइन किया। विभाग द्वारा हरिजन बस्ती को सील कर दिया गया है। गाँव में लेकर दहशत का माहौल है और अब प्रशासन का यह कहना है कि उनके द्वारा पूरे परिवार की सैंपलिंग कराई जाएगी, गांव के लोगों को भी चेकअप किया जाएगा और इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।